नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मैं विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं राइजन प्रोसेसर्स के बारे में प्रोग्रामिंग के लिए। तो दोस्तों क्या आप राइजन प्रोसेसर्स को यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, नहीं कर सकते? आज के इस वीडियो हम स्पेसिफिकली बात करने वाले इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पे बात करने से कि राइजन प्रोसेसर्स को प्रिफर क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहला जो इसका रीजन है वो ये है कि लेस एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू द इंटेल प्रोसेसर्स जो करेंटली मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी इंटेल के प्रोसेसर्स करेंटली अवेलेबल है सेम प्राइसिंग में या फिर ऑलमोस्ट सेम टू सेम उसके अराउंड समथिंग प्राइसिंग में, यहाँ पे आपके पास में दो यहाँ पे कोर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं राइजन प्रोसेसर्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस होता है वो आपको बेटर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों ओवर इन ऑल यहाँ पे 50,000 के बजट में जो कि इंटेल के क्वाड कोर प्रोसेसर्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि कोर i5 होते हैं, वहीं पे उसी प्राइस रेंज में हमको राइजन के प्रोसेसर भी देखने को मिलते हैं जो कि हेक्सा कोर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास में दो एक्स्ट्रा कोर्स मिलते हैं जिसकी वजह से जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस होता है वो यहाँ पे बढ़ जाता है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट के बारे में प्रोग्रामिंग में, तो वेब डेवलपमेंट में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक इशू नहीं है यहाँ पे राइजन प्रोसेसर में। आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट बहुत ही इजीली कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सीपीयू इंटेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए और राइजन प्रोसेसर यहाँ पे करेंटली इनफ है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट करने वाले हैं लाइक PHP, पाइथन, ये सारे चीज़ों में अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट करने वाले तो इसके लिए करेंटली इनफ है। उसके बाद में अगर हम आप बात करें कुछ जनरल लेवल प्रोग्रामिंग के बारे में लाइक जावा, C++, सी या पाइथन या एक्सेट्रा कुछ और प्रोग्रामिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो इन सारे प्रोग्रामिंग को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं राइजन प्रोसेसर के ऊपर। यहाँ पे कोई भी इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इनकेस यहाँ पे कोई इशू देखने में मिलता है, इनकेस माइनर यहाँ पे इशूज, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव पाथ्स मिल जाएंगे। अगर आप इजिली सर्च आउट करते हैं गूगल पे तो आपको यहाँ पे पाथ्स मिल जाएंगे। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक यहाँ पे इशू नहीं देखने को मिलने वाला। और प्लस यहाँ पे C++ के लिए ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी यहाँ पे AMD ने प्रोवाइड किया है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एक आर्टिकल है जो यहाँ बताता है कि 1 मिलियन लाइन के C++ कोड सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स में कंपाइल हो जाता है 16 कोर राइजन 9 5950X प्रोसेसर में। तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे AMD ने राइजन ने ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लाइक C++, जावा, इनके लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे फास्टर कंपाइलेशन ऑफ कोड चाहिए तो आप इन ऑप्टिमाइजेशन को यूज कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं एक बार। और उसी के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगर React Native या React या Node.js, NPM, अगर आप ये सारे यहाँ पे चीज़ों को यूज़ करें, ये सारे टूल किट्स को अगर आप यूज़ करें डेवलपमेंट के लिए लाइक वेब डेवलपमेंट या फिर मोबाइल डेवलपमेंट के लिए अगर आप यूज़ करें, तो इन सभी को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई भी बग्स या इशूज़ या एरर्स हमको नहीं देखने मिलते, इन सबको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि राइजन प्रोसेसर्स में ऑलरेडी हमको यहाँ पे मल्टी कोर जो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे बेटर देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के बारे में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम थी वो ये था कि एमुलेटर्स रन नहीं कर रहे थे राइजन प्रोसेसर के अंदर। यहाँ पे थोड़ा इश्यूज हमको देखने को मिल रहे थे लाइक इनिशियल फेज में, लेकिन अभी के समय में जो भी यहाँ पे जो भी राइजन प्रोसेसर्स करेंटली अवेलेबल है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से एमुलेटर्स भी रन कर जाते हैं। यूजुअली एक्चुअल में एमुलेटर्स को रन करने के लिए आपको सीपीयू वर्चुअलाइजेशन जो होता है उसको यूज़ करना पड़ता है। और राइजन के जो प्रोसेसर थे जो कि इनिशियल फेज में जब थे तो वहाँ पे हमको सीपीयू वर्चुअलाइजेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, लेकिन करेंटली यहाँ पे जो भी प्रोसेसर्स हैं, जो भी APUs हैं, जो भी राइजन 5 के या फिर 4600H आप कह लीजिए या फिर 4800H आप कह लीजिए, सभी में जो सीपीयू वर्चुअलाइजेशन है वो यहाँ पे करेंटली सपोर्ट कर रहा है। तो AMD वर्चुअलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे करेंटली इन सभी के अंदर सीपीयू वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट कर रहा है। और इनकेस अगर आपको यहाँ पे Genymotion या फिर Android का यहाँ पे जो डिफॉल्ट एमुलेटर्स होते हैं इनको अगर आपको रन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सीपीयू वर्चुअलाइजेशन को चालू करना पड़ता है, मतलब कि एनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज़ सीपीयू वर्चुअलाइजेशन का आपको टर्न ऑन करना पड़ता है, एनेबल करना पड़ता है बायोस सेटिंग्स में से जाके, और उसी के साथ में आपको विंडोज़ में हाइपर वी को डिसेबल करना होता है, मतलब कि हाइपर वर्चुअलाइजेशन को आपको डिसेबल करना पड़ता है विंडोज़ के सेटिंग्स में। तो ये 2 चीज़ों को आपको करने के बाद में आप कोई भी यहाँ पे एमुलेटर्स को रन कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ईजिली। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकली जो यहाँ पे डेवलपमेंट में जो इश्यूज हमको देखने में मिले थे राइजन प्रोसेसर में यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए थे, क्योंकि यहाँ पे हमको एमुलेटर्स रन नहीं कर पाए थे और यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में थोड़ा सा इशूज देखने में मिले थे। लेकिन करेंटली यहाँ पे क्योंकि सीपीयू वर्चुअलाइजेशन अनेबल कर दिया गया राइजन प्रोसेसर्स के अंदर भी, तो करेंटली यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन का राइजन प्रोसेसर अवेलेबल
कंट्रोल है। इसके अंदर आपको यहाँ पे सीपीयू वर्चुअलाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसको हम AMD V फीचर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई भी लेवल का एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी करना है तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, कोई भी आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। इन केस अगर आपको कोई भी यहाँ पे लेवल में वेब डेवलपमेंट हो गया या फिर जनरल लेवल प्रोग्रामिंग हो गई, या फिर अगर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कोई भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, लाइक किसी चीज़ के लिए अगर आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे एरर्स या बग्स देखने को मिल रहे हैं, कोई चीज़ रन नहीं करी प्रॉपरली, तो उसके लिए थोड़ा सर्च आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अगर हम सर्च करते हैं स्पेसिफिकली तो उसके रिलेटेड हमको यहाँ पे लाइक सोल्यूशंस मिल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक अभी तक यहाँ पे लाइक एरर्स ऐसे नहीं है जिसके लिए, बग्स ऐसे नहीं है जिसके लिए हमको यहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं मिला है। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर फिक्सेशंस कर दिए गए हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए सोच रहे हैं राइजन प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेने के लिए या फिर कोई भी CPU लेने की, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं स्पेसिफिकली, कोई भी यहाँ पे इश्यूज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसे मेरा कंप्लीट ओवरव्यू राइजन प्रोसेसर्स के बारे में प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आपको कोई और भी डाउट्स है, कोई और भी क्वेरीज है, या फिर कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसके नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।